नमस्कार, न्यूज 1-11 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती बाला। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बांका के धोरैया प्रखंड कार्यालय में ग्रामीणों ने विरोध किया। दरअसल गांव का नाम इंटरनेट पर नहीं मिलने को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं वीडियो ने बताया कि इसकी जांच होगी और रिपोर्ट जिला पदाधिकारी को सौंपी जाएगी। पटना में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस के सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बिहटा का है, जहां एक जमीन कारोबारी को 10 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई, जहां पीड़ित ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही पुलिस जांच में जुट गई है। चार फटे लगभग तोड़ लिए लोग चाहे ना 70,000 का छीन के ले भाग रॉड से मार के हाथ। कब रंगबाजी मांगे? पहले 4 बजे शाम के लगभग। अच्छा, काहे के लिए? पैसा रंगबाजी मांगने लगा 10,000। अच्छा, उनके पास पैसा पता चला है कि कमाता है 10,000 रुपया। दो बोलिए, हम 10 लाख रुपया कहाँ से दें? तो मारने पीटने लगा सर हमको। कुछ जमीन का भी बात। बिलहर थाना क्षेत्र के देवघर मुख्य मार्ग के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों को सहायता लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दुर्घटना करने वाले गाड़ी को भी जब्त किया गया है। पटना में तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी ने एक युवक को ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिस दौरान आक्रोशित लोगों ने चालक समेत 2 लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। आज शाम की घटना है। 18-20 बरस के 2 लड़के थे, रेनॉल्ट गाड़ी है। उस गाड़ी पर लापरवाही से चला रहे होंगे। 12 बरस की बच्ची है, 12 बरस का लड़का है, उसको कुचल दिया। वो लड़का उस गाड़ी के अंदर फंस गया। ये गाड़ी लेके भागे तो बच्चा खसीटाता रहा, उसके टुकड़े पार्ट्स कहीं कहीं। पुलिस उसको चेस करती रही। SDPO दानापुर भी चेस कर रहे थे, हमारे थानेदार भी लोग उसको चेस कर रहे थे। वायरलेस मैसेज पर मैं सुन रहा हूँ। 8-10 किलोमीटर वो शहर में रूपसपुर वगैरह पूरा घुमाते हुए अल्टीमेटली यहाँ पर आकर के वो पकड़ा गया। पब्लिक ने जो है उनकी गाड़ी को चूर दिया। उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है, दोनों थाने में हैं और कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। और चूंकि दोनों बच्चे हैं और मेरे ख्याल से शायद ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, अगर नहीं है तो 304 में केस होगा, 304A में नहीं है। 18-20 के आसपास है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन में पता चले। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। न्यूज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।